मैं हूँ आपकी प्लबसा। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेगा स्पोरेंजियम। पिछले वाला लेक्चर में था मेरा माइक्रो स्पोरेंजियम, आज के लेक्चर में मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो मेगा स्पोरेंजियम यानी कि द पिस्टल मेगा स्पोरेंजियम एबुल एंड एम्ब्रोयड सैक है। ठीक है, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम किसको बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव को। और एंजियोसियम किसको बोलते थे? वो मेल रिप्रोडक्टिव को। एसेंशियल रिप्रोडक्शन में दो आता है, सबसे पहले आता है गाइनोसियम और एंड्रोसियम। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जिसमें एक फ्लावर है जिसको हम लोग है ना इसको पेडिकल देखे थे। यहाँ पे मेरा एक एंड्रोसियम है और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? गाइनोसियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। यानी कि एंड्रोसियम को हम लोग क्या बोलते थे? एंड्रोसियम है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? स्टेमेन। और गाइनोसियम को हम लोग क्या बोलते थे? पिस्टल या कार्पल। पिस्टल या हम लोग कार्पल बोलते थे गाइनोसियम को। वही यहाँ पे तो गाइनोसियम अगर एसेंशियल रिप्रोडक्शन पार्ट है तो दो टाइप का होता है, एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है। तो आज क्या है, जो एंड्रोसियम होता है उसको हम लोग ना माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं और गाइनोसियम को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, तो द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। The gynoecium is represent the female reproductive part of the flower. ये flower का part है जिसको female reproductive बोलेंगे हम लोग। उसके बाद the gynoecium may be consist of a single pistil. जो single pistil यानी कि pistil बोलेंगे यानी कि carpel हम लोग use करेंगे, क्योंकि pistil का दूसरा नाम हम लोग unit हम लोग carpel देखे थे। ठीक है, तो जो एक pistil यानी कि एक pistil, ये मेरा flower वाला हुआ, ये एक पिस्टल को हम लोग, जिसमें एक पिस्टल यानी कि एक पिस्टल यानी कि एक कार्पल यानी कि एक गाइनोसियम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। और मोर देन यहाँ पे सिंगल पिस्टल है और यहाँ पे मोर पिस्टल, यहाँ पे मोर देन वन पिस्टल यानी कि मोर देन वन कार्पल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। When there are more than one pistil may be fused, जो एक पिस्टल फ्यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। यानी कि वो फ्यूज नहीं होगा, यानी कि ऐसे ऐसे सब ऐसे ऐसे रहेगा, वो सब स्वाइंड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिनकार्पस बोलेंगे। अगर ये कार्पल एक दूसरे से फ्यूज नहीं होगा, फ्री होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे। और जो फ्यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस, और जो फ्यूज यानी कि जो फ्री होगा उसको हम लोग एपोकार्पस बोलेंगे। इस पिस्टल हैज थ्री, यानी कि पिस्टल का जो होता है, अब हम लोग पिस्टल का बनाते हैं, जैसे ही इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिग्मा बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है? स्टिकी टाइप का होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्टिकी मतलब चिपकने टाइप का होता है। जो हम लोग यहाँ पे क्या चिपकता है? पोलिन ग्रेन्स आता है। पोलिन ग्रेन्स कहाँ से आता है? एंड्रोसियम से आता है, यानी कि माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस से आएगा। यहाँ पे स्टिग्मा होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टाइल। और इसको क्या बोलेंगे? उभरी। यानी कि गाइनोसियम का तीन गो टाइप्स होता है, पार्ट्स होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और उभरी होता है। ये तीन टाइप्स, तीन पार्ट्स होता है गाइनोसियम का। द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द पोलिन ग्रेन्स। यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं? पोलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा को। किसको बोलते हैं? स्टिग्मा को। क्योंकि जब वो पोलिन ग्रेन्स आता है तो कहाँ पे चिप आता है? वो स्टिग्मा पे आता है। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा पे स्टिकी रहता है और यहीं से पोलिन ग्रेन्स का यहाँ पे फ्यूजन होने लगेगा। सबसे पहली बात बता देते हैं कि कोई भी फ्लावर आया और पोलिन ग्रेन्स अपना दे दिया, लेकिन वो स्टिग्मा ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें होता है क्या स्टिग्मा में, कि अगर कहीं भी फ्लावर जैसे रोज का है ना,
मेरी गोल पे आया या किसी का किसी में आया, तो वो क्या करता है, स्टिग्मा अपना जानता है, अपना वैरायटी जानता है, अपना जीनस जानता है कि कौन मेरी वैरायटी का है, जो हम उसको रखेंगे, जो नहीं रहेगा वो हवा में एयर में ये अपने आप उड़ जाता है। तो ये अपना पोलिंग ग्रेन्स आर्म्स अपने आप पोलिंग ग्रेन्स ये पहचानता है, स्टिग्मा अपना पोलिंग ग्रेन्स पहचानता है, उसी को उस पर रहने देगा, बाकी जो नहीं रहेगा उसको हटा देता है, ठीक है ना। स्टिग्मा का ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद अपना बिरादरी पहले पहचान लेता है कि मेरे फैमिली का है या किसी और का, अगर किसी और का हुआ तो उसको हटा देता है, बाकी अगर वो खुद की फैमिली का रहा तो उसको रख लेता है, ठीक है। द स्टिग्मा सर्व्स एन लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं, पोलिंग ग्रेन्स का, जो स्टिग्मा का होता है। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर, ये क्या होता है, इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट ऑफ द बिनेट ऑफ द स्टिग्मा, ठीक है। द बेस बल्की पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी, ये क्या होता है, पिस्टल का ओवरी। अब हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम से देखेंगे कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो अभी हम लोग ओवरी का पूरा अच्छा से डायग्राम हम लोग देखेंगे, ठीक है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी इसको लॉकूल, जो इनसाइड का, ये क्या है मेरा स्टिग्मा है, ये मेरा स्टिग्मा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। स्टिग्मा पे क्या होता है, स्टिकी टाइप का यानी कि चिपकने टाइप का होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल, जो इसको जो रंगा होगा जो इसके अंदर वाला को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्यूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, लैक्यू बोलेंगे। और ये वाला को क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ये पूरे को क्या बोलेंगे, ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। उस पूरे को क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, ओवरी के अंदर में ओव्यूल होगा। और जो प्लेसेंटा से जो अटैचमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल, क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूनिकल बोलेंगे, ठीक है। और जो इसके अंदर में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोक्यूल बोलेंगे, ठीक है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड ओवरी कैविटी, ठीक है ना, प्लेसेंटा इनसाइड द अंदर में ओवरियन कैविटी होता है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोंजियम कॉमनली कॉल्ड ओवुल्स, यानी कि जो ओवुल से होता है ना, जो ओवरी के अंदर में ओवुल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोंजियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, मेगा स्पोंजियम बोलेंगे। आप लोगों को पिछले वाला लेक्चर में याद होना चाहिए था कि यहाँ पे एक हम लोग बताए थे एंड्रोसियम का, एंड्रोसियम का बताया था, और इसका जो पॉकेट टाइप का है उसको हम लोग क्या बोले थे, माइक्रो स्पोंजियम बोले थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोंजियम। जब हम लोग है ना इसका क्या नाम है, जब हम एंड्रोसियम का टीएस जब हम किए थे तब हम इसमें चार पॉकेट टाइप का बताए थे जिसको हम लोग माइक्रो स्पोंजियम बोले थे। और ये ओवल के अंदर में को इसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोंजियम। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो माइक्रो स्पोंजियम के अंदर में क्या बोले थे, उसे क्या होता है, पोलिंग ग्रेन्स बनता है, क्या बनता है, इसमें पोलिंग ग्रेन्स बनता है। और मेगा स्पोंजियम में क्या होता है, ओवल बनता है, ठीक है ना, हमेशा पॉइंट याद रखिएगा। द नंबर ऑफ द ओवल्स इन एन ओवरी मे बी वन बीट, यानी कि बीट में कितना होगा ओवरी, वन, पेडी, मैंगो, टू, और मेनी में किस क्या क्या होगा, पपाया, वाटरमेलन और अर्चिड में ये मेनी ओवल होगा, ठीक है ना। ये सब कुछ टर्म था। अब हम लोग देखेंगे, ये रहा द मेगा स्पोंजियम, मेगा स्पोंजियम क्या, ओवल का, ठीक है। और माइक्रो स्पोंजियम रहेगा तो पोलिंग ग्रेन्स, ये क्या रहेगा, ये एक डायग्राम है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बड़ा वाला को, इसको हम लोग पूरा वाला को क्या बोलेंगे, एवुल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉरी ओवरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे पूरा वाला को, ओवरी। और इसके अंदर वाला के बारे में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, इसको हम लोग प्लेसेंटा। जस्ट यहाँ पे का जो ओपन, यहाँ पे का जो ओपन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, हमेशा याद रखिएगा। जो यहाँ पे का जो ज्वाइन नहीं होता है, यहाँ पे का जो ओपन होता है जिसके अंदर में न्यूक्लियसेस के पास, यानी न्यूक्लियसेस के पास जो पहुँचता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, जो ओपन यहाँ पे होता है जस्ट इसके नीचे वाला, जस्ट इसी के सामने में, जैसे यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चला जा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चला जा, यानी कि जस्ट ऊपर वाला को हम लोग माइक्रोपाइल बोलेंगे और इसके जस्ट नीचे वाला को हम लोग चला जा बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, चला जा बोलेंगे। और ये बता दिए थे कि ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो ओवल से जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूनिकल, क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। और जो इंट्यूगमेंट, ये सब क्या है, ये सब क्या है,
इंट्यूगमेंट है, इस सबको हम क्या बोलेंगे, इंट्यूगमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो जो इंट्यूगमेंट से जो जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम। क्या बोलेंगे हम लोग, हाइलम बोलेंगे। जो इंट्यूगमेंट से जो जुड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे, उसको हम लोग हाइलम बोलेंगे। और ये सब क्या होता है, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूसेलस बोलेंगे। न्यूसेलस किस में हो जाएगा, टू एंड में, ठीक है ना। न्यूसेलस किस में हो जाएगा, टू एंड में। और एनसीईआरटी का जब डायग्राम देखोगे तो एनसीईआरटी के जब डायग्राम में अपोजिट है, ये वाला को क्या कर दिया, ये साइड कर दिया और इसको नीचे कर दिया, ठीक है ना। वो हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट इसके ऊपर से, ये क्या सब है, ये सब इंट्यूगमेंट है, ये सब क्या है, इंट्यूगमेंट है। इसी के अंदर में ऐसे ऊपर में बन जाएगा क्या, ओवरी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब में क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्यूगमेंट बोलेंगे। और जो इसका ओपन होगा, उसको जो खुला रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। हम लोग यहाँ देखे थे ना, माइक्रोपाइल। इसके अंदर में न्यूसेलस रहेगा, इसको हम लोग जो अटैच इंट्यूगमेंट से जो अटैच होगा उसको हम लोग हाइलम बोलेंगे। और यहाँ पे को माइक्रोपाइल बोलेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाला को, यहाँ पे क्यों बोला, क्यों क्या बोलेंगे, जस्ट इसके सामने वाले यानी कि पीछे वाला को क्या बोलेंगे, चलाजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चलाजा बोलेंगे। इसको फ्यूनिकल बोलेंगे, प्लासेंटा, बाकी जो जहाँ पे का है बस सेम आ जाएगा। तो एनसीईआरटी का जगह हम क्या है, थोड़ा सा अपोजिट कर दिया, या इस टाइप से देखो या इस टाइप से देखो, बात हमारा पूरा हो गया। तो आज हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोंजियम, देखिए इसका डायग्राम देखिए, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका देखेंगे माइक्रोस्पोंजेनेसिस देखेंगे, उसके बाद इसका हम लोग गैमेटोफाइट देखेंगे, वही मेगा गैमेटोफाइट देखेंगे, ठीक है ना। आज का लेक्चर के लिए बस इतना ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।